हेलो एवरी वन सो आई एम रिश उदित एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स वन इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अनदर वन इज योर स्क्यूनेस एंड द कुटोसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई टॉक अबाउट द पोजिशंस ऑफ मीन मीडियन एंड मोड ऑन द स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स तो आप अगर बाकी वीडियोज देखेंगे या किसी भी ट्यूटर से आप जब समझते हैं तो यूजली आपको क्रैम करा दिया जाता है कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस में आपकी मीन मीडियन मोड की क्या पोजिशंस रहती हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कौन किससे बड़ा होता है कौन किससे छोटा होता है बट एक्चुअली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कैसे हमने उनको कर्व पर प्लॉट uh, किया कैसे हमने मीन मीडियन मोड के बीच में वो प्रॉपर्टी वो रिलेशन फाइंड आउट किया तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं कि क्या रिलेशन है मीन मीडियन मोड का स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए स्क्यूनेस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च वीडियो so let's begin with the normal distribution curve तो normal distribution curve आपका बेसिकली एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जिसमें कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत ही सिमेट्रिक सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं या स्कैटर्ड होती हैं तो मैं एक बार आपको uh, कुछ वैल्यूज यहाँ पर दे देती हूँ जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि किस टाइप की वैल्यूज जो हैं वो प्लॉट करने पर हमें इस टाइप का कर्व जो है वो ग्राफ पर मिलेगा सो uh, सपोज so, बहुत सिंपल वैल्यूज में यहाँ पर रख रही हूँ x 1 2 3 4 5 लिए मैंने फ्रीक्वेंसीज uh, रख लेते हैं ये ठीक है तो इस इस तरह की वैल्यू पैटर्न को इस तरह की डेटा सेट को जब आप प्लॉट करेंगे तो वो क्या आएगा uh, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर आपकी ये वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, और फ्रीक्वेंसीज आपकी वाई एक्सिस पर अगर हम ले तो टेन ट्वेंटी थर्टी आपका ये मिड पॉइंट थ्री है जहां थर्टी तक हाइएस्ट पॉइंट तक आपका जा रहा है उसके बाद सेम पैटर्न में दस दस के गैप में थर्टी ट्वेंटी टेन इसी तरीके से जो है वो वापस आ रहा है जिस तरीके से ये गया था अब वैसे ही ये डाउन आ गया है तो इस तरीके से जो आपका ये एरिया बनेगा दोनों एरियाज लेफ्ट और राइट साइड में ये आपके बिल्कुल सिमेट्रिकल एरियाज होंगे इक्वल एरियाज होंगे सिमिलर पैटर्न में जो है डेटा वैल्यूज वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो ये आपका यूजुअली क्या कहलाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कव या आप इसको बोल सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कव तो मीन मीडियम मोड की यहां पर क्विकली बात कर लेते हैं हम मोड की पोजिशन क्या होगी ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है मोड आपका वहां होता है जहां फ्रीक्वेंसी उस डेटा वैल्यू की हाईएस्ट होती है तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी यहां पर हाईएस्ट है तो ये आपका मोड हो जाएगा मीन की अगर हम बात करें तो मीन आपका एवरेज होता है तो मीन भी आपका मिडेस्ट पॉइंट यहां पर आएगा क्योंकि इक्वली वैल्यू स्प्रेड है तो मीन भी आपका यहीं आ जाएगा और मीडियन की अगर मैं बात करूं तो मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू अगर आप उनको ऑर्डर में अरेंज करके मिडल वैल्यू को पिक करेंगे तो वो आपका मीडियन होता है तो वो भी मीडियन भी आपका यहां पर यही निकल कर आएगा क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव आइटम्स में थर्ड आइटम आपका मीडियन हो जाता है विच इज अगेन द मिड पॉइंट इट तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा मीट एंड मोड की तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी यहां पर निकल के आ जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की वेर योर मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन ठीक है ये आपको हमेशा याद रखनी है अगर आपको ये कैलकुलेट करके भी लर्न करना है तो आप इसी सिंपल एक डेटा सेट का मीन मीडियम मोड कैलकुलेट कर लीजिए फॉर्मुला पुट करके आपको वहां पर उनकी वैल्यूज पता लग जाएंगी जो कि बिल्कुल इक्वल वहां पर आएंगी तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ तो so, अब हम बात कर लेते हैं ए सीमेट्रिकल या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कॉव्स की तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कॉव्स में आपके फर्दर फिर दो कॉव्स आ जाते हैं वन इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कॉव एंड वन इज नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या हम इसको समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल दैम राइट साइड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या लेफ्ट साइड स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको वो पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा राइट right साइड है और कौन सा लेफ्ट साइड है कौन सा पॉजिटिव है या कौन सा नेगेटिव है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको जिससे कि आपको याद रहेगा यूजअली हम कन्फ्यूज हो जाते हैं तो हमें टेल पर ध्यान देना है जो ये टेल है पूछ है जो ये जिस साइड पॉइंट कर रही है तो यूज ये आपका एक्सेस पर माइनस होता है ये पॉजिटिव साइड होता है तो जिस साइड पॉजिटिव साइड अगर टेल पॉइंट कर रही है तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या हम इसको क्या बोल सकते हैं अगर ये राइट साइड टेल डायरेक्ट कर रही है तो हमें राइट साइड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको जो है बोल सकते हैं सिमिलरली यहां पर जो टेल है वो नेगेटिव साइड डायरेक्ट कर रही है हमें तो इसलिए हम इसको नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे और हम इसे लेफ्ट साइड भी बोल सकते हैं लेफ्ट साइड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है अब हम ये पत, आ, समझ लेते हैं कि होता क्या है तो बेसिकली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपका तब होता है जब आपकी जो वैल्यूज हैं वो स्केटर uh, हो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं ऑन द वन एंड ऑफ द एक्स एक्सिस ठीक है on तो किसी एक साइड किसी एक टेल पर इधर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड जो आपकी वैल्यूज हैं वो लोअर uh, वैल्यूज या फिर हायर वैल्यूज एंड पे ज्यादा रह जाती हैं उसकी वजह से जो आपका कर्व है वो क्या हो जाता है वो एक साइड उसका झुकाव जो है वो ज्यादा हो जाता है जैसे कि नॉर्मल कर्व में हमारा ये बीच में था बट अभी साइड में आ गया है वो उस साइड चला गया ये इस साइड चला गया है तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मोड जो हो जाएगा वो आपका यहां जहां फ्रीक्वेंसी आपकी हाईएस्ट है वही रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा मोड सिमिलरली इसमें भी जो हाईएस्ट पॉइंट है ये आपका हो गया है यहाँ पर मोड अब हम अगर बात करें मीन की तो ये जो है वो वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं इसके लिए सिर्फ दो तीन मिनट आपको यहां देने की जरूरत है और आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आपके मीन मीडियम मोड तीनों ही मिड पॉइंट पर थे क्योंकि यहां जो डेटा था वो दोनों साइड्स पर सिमेट्रिकल था सिमिलर था लेकिन यहाँ क्या है हमारा जो ये वाला एरिया है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस एरिया सो डेफिनेटली मीन एंड मीडियम नाउ वॉन्ट बी ऑन द सेम पोजिशन वॉन्ट बी ऑन द मिड पॉइंट ठीक है वो मिड पॉइंट पर नहीं होंगे मीडियम और मीन तो मीन कहा होगा अब इस चीज को समझने के लिए मैं एक सिंपल uh, सा एग्जाम्पल आपको यहां देती हूँ Uh, जैसे कि सिंपल वैल्यूज में लूँ अगर वी हैव टेन स्टूडेंट्स इन आर क्लास एंड इफ वी लुक एट द मार्क्स लिस्ट हंड्रेड हंड्रेड का एग्जाम उनका हुआ है जिसमें से स्कोर किया है सभी बच्चों ने अबो 80 ठीक है किसी के 82 टू है किसी के 87 है 92 है 95 है इस टाइप से सबके मार्क्स uh, वहां पर उन्होंने स्कोर किए हैं तो अगर हम उनका एवरेज निकालें मीन निकालें तो वो कितना होगा अराउंड क्योंकि 8200 टू के बीच में ही जो है वो सभी बच्चों के स्कोर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो 90 के अप्रोक्स जो है वो एवरेज रहेगा लेकिन अगर, अगर अब मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर दूं और अब मैं अगर आपको कहूं कि आ, सिर्फ दो स्टूडेंट्स के मार्क्स एटी अबोव हैं बट द रिमेनिंग एट स्टूडेंट्स हैव देयर मार्क्स ऑन द ट्वेंटी सीरीज किसी की ट्वेंटी टू है ट्वेंटी सेवन है ट्वेंटी फाइव है ये सब है तो अगर दस, दसों के दस बच्चों के बीस की लाइन में ही नंबर होते तो एवरेज आपका ट्वेंटी की लाइन में ही आ जाता बट अब दो स्टूडेंट्स के एटी अब हैं तो उससे मेन जो है वो कहां चला जाएगा थर्टी के अप्रोक्स चला जाएगा लेकिन रहेगा फिफ्टी के इधर फिफ्टी के Uh, 20 की साइड में ही जो है वो आपका मीन लाई करेगा सिमिलरली अब जो वैल्यूज हैं आपकी वो इक्वली स्प्रेड ना होकर ज्यादा इस साइड चली गई है हायर साइड पर जो है वो वैल्यूज लाई कर रही हैं तो मीन भी जो है वो आपका हायर साइड शिफ्ट हो जाएगा बीच में ना होकर बल्कि इधर ये जो है आपका मीन रहेगा सिमिलरली इन दिस केस मीन जो है वो आपका इधर की ओर रहेगा क्योंकि ज्यादा वैल्यूज आपकी यहां लाई कर रही हैं नेगेटिव साइड पर उधर सिर्फ आपकी दो तीन वैल्यूज हैं बाकी सभी वैल्यूज यहां हैं तो मीन मिड में ना होके थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा दिस विल बी योर मीन ओके और मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन एज यू नो इज मोस्ट वैल्यू तो मीडियन आपका कहां आ जाएगा इनके बीच में ये आपका मीडियन हो जाएगा तो अब जब आपको ये पता चल गया है कि मीन मीडियम मोड को हमने कैसे लोकेट किया है कैसे प्लॉट किया है अपने ग्राफ्स पर तो अब आप प्रॉपर्टी को आराम से निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे यहां पर आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी मोड इज योर लोअर देन मीडियन एंड इट इज लोअर देन योर मीन सो दिस विल बी द प्रॉपर्टी इन द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और सिमिलरली योर मीन वुड बी लोअर देन मीडियम वुड बी लोअर देन मोड तो आप समझ रहे यहां पर जो है जो रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया था वो रिवर्स हो जाएगा वेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिवलीस्ट्रीब्यूशन कर्व तो so, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको अब आप क्रैम करने की जरूरत नहीं है इनको आप समझ के खुद से लोकेट करके मीन मीडियन मोड को खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप मीन मीडियन मोड में यहां पर एग्जिस्ट करता है सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्यूट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो अब बात कर लेते हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की जिसमें क्या जाते हैं आपके दो मैथड्स यहां पर यूजली जो यूज होते हैं दोनों ही काल प्यर्सन ने दिए हैं वन इज योर स्क्यूनेस मैथड एंड अनदर वन इज योर मीडियम uh, मैथड तो इसमें आपको मोड यूज करना है जबकि इसमें आपको सिर्फ मीडियम को पुट करना है तो ये दोनों ही मैथड आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन वैल्यू अगर आपको मोड दिया हुआ है या आपको मीडियम दिया हुआ है तो क्विकली लेट्स कम टू द कुटोसिस पार्ट कुटोसिस जो है वो आपका कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है जिसमें कि सिर्फ आपको ये चेक बेसिकली आप करते हो कि जो आपकी डेटा वैल्यूज हैं डेटा सेट में वो मोड की कितना ज़्यादा क्लोज है ठीक है तो वहाँ पर दो ही कंडीशंस आ जाती हैं कि या तो वो मोड के बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हैं उसके चारों तरफ बिल्कुल पास पास है या फिर दे आर वेरी अवे फ्रॉम द मोड तो दो कर्व्ज यहाँ पर आ जाते हैं तो तीन कर्व जो टोटल हम जिनकी बात करते हैं कुटोसिस में एक तो आपका नॉर्मल कर्व ही है जो आपने अभी पढ़ा है नॉर्मल कर्व में जो आपका मोड है ये मिड पॉइंट है इसके बहुत ही नॉर्मल है मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है वैल्यूज मोड के ठीक है तो दो बाकी जो आ जाते हैं इसको हम बोलते हैं मैसोकोटिक और अगर हम बाकी दो की बात करें तो उसमें क्या होता है कि वन इज योर फ्लैट कॉफ तो फ्लैटनेस आ जाती है यहां पर जिसकी वजह से क्या होता है मॉन्ड सपोज आपका ये है फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट पॉइंट ये है तो मोड जो है आपका इससे बहुत ज्यादा दूर दूर फैली हुई हैं वैल्यूज कोई यहाँ तक गई हुई है कोई यहाँ तक गई हुई है तो इस वजह से ये आपका कौन सा आ जाता है प्लेटिक्यूटिक कर्व हम इसको बोलेंगे जहां पर डेटा वैल्यूज मोड से बहुत दूर है और जहां पर मोड की डेटा वैल्यूज बहुत पास पास है जैसे कि अगर हम नॉर्मल कर्व से इसको कंपेयर करें तो ये और भी ज्यादा क्लोज हैं वैल्यूज मोड के तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा लैप्टोकोटिक कर्व तो ये दोनों कर्व जो है, basically किस पे differentiate इनको किया गया है दो ही कंडीशन uh, पर किया गया है फ्लैटनेस और ये किस पे किया हुआ है पीकनेस तो ये जो बेसिकली हम पे आपका वो कितना ज्यादा पीक है उसका पीक ये कितना ज्यादा शार्प जा रहा है ना कर्व वो आपका कंसेंट्रेशन बताएगा जितना ज्यादा शार्प होगा कर्व उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यूज जो है वो मोड के क्लोज होंगी कंसेंट्रेटेड होंगी ठीक है तो ये भी आपको एक लर्न करने का मैं ट्रिक यहां पर इस वीडियो में बता देती हूँ जेनरली uh, मैं ये आपको बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में ही तो अगर हम लेप्टोकूटिक की बात करें तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि एक लंबा कर्व जहां पर होगा लंबाई जहां कर्व किया जाती है वहां एल एल ल से लंबाई और ल से एल से हमारा लैप्टोकूटिक वहां पर वो वाला कर्व होगा और जहां पर हमारा कर्व थोड़ा सा पसरा हुआ है पड़ा हुआ है वहां हम पी से क्या हो जाएगा प्लेटिकुटिक कर्व और मैसोकूटिक जो अपने आप को मैनेज किया हुआ है मिड में है इन दोनों के बीच का है मीडियम है वो एम सी क्या हो जाएगा आपका मैसोकोटिक कर्व तो ऐसे आप इन तीनों को याद रख सकते हैं आ, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि यूजुअली एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है जिसमें कि आ, हम वैसे ही एक नंबर खो देते हैं क्योंकि हमें सिंपली याद नहीं रहता कि कौन सा कौन सा कर्व था तो ये आप ऐसे इनका नाम याद कर सकते हैं

And you may press the bell icon for uh, more of such videos. Thank you for watching.